अस्मदुभ्यो नम अस्मत्मगुभ्यो नम अस्मसगुभ्यो नम श्रीमते राय नम अस्मदुपरपराय नमो नम विश्वक्नम तथा विश्वसैन भरद्वाज कपिंजल वसी मुनी वंदे पांचरात्र प्रवर्तका भारद्वाजाख्यचार्य विष्णो पादाब्रिम वंदेहम सुगुणा

अथ कुम्भकेन वायुना अधोमुखस्थं नाभिपद्मम् उन्नमय्य समुद्घाट्य तस्योपरि मनसा पीठं परिकल्प्य तस्मिन् वनमालादिदिव्यभूषणभूषितं पीताम्बरधरं चतुर्बाहुं श्रीभूमिसहितम् उद्धृ उद्धृत अनेकदिव्यायुधरं भगवन्तं मूलवेरादागतं उद्धृत अनेकदिव्यायुधरम् अनेक उध्रितनेक दिव्याुधरम आगतम ध्यात्वा ध्या देव देवेव हृत्पद्मे सन्नि भज क्रियामानसी पूजा यथारह इति मनसा विज्ञाप्य भगवत सुप्रसन्नम मधिमुद्रा सन्नीध सन्नी मुद्रा सांख्य मुद्रा च प्रदर्शय सं्य अष्टाक्षर विद्य दे मंत्र षडंग न्यासौ च कृतं ध्यात्वा संभाव्य किरीट वनमालादि सर्व मुद्राः मनसि प्रदर्श्य मधुपर्कं निवेद्य देवं स्नानासने स्थितं ध्यात्वा अभ्यंग अभ्यंगनादि स्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलंकारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा छत्रादि धूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीन भगवत सम्य खाद्य चो्येह पेयादिम चतुर्विधम अन्न देवाय विनिम्वा अनतरम मनसी होम कुरियाकमे चिदग्नि उत्पाद त्रिकोणे कुंडे अष्टाक्षर विद्य नारायणात्मक ध्यापा घाहुति आज्य भाग आहुति व्याहृति आहुति इति चतुष्टयम् कृतम् मत्वा द्विशीर्षकम् इत्यग्निम् ध्यात्वा ओम रम अग्नये नमः इति अग्निमन्त्रेण अग्निम् गंधपुष्प अक्षतैरर्चितम् मूलमन्त्रेण परिसिंचितम् मत्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तम् विचिन्त्य समिधाष्टकेन आहुतिः चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्या सृष्टकृत प्रायस्तिता होती ही पुरुना होती होतीमचक्रितम मत्वा देवं अग्निस्थम यथा स्थानं उद्वास्या मानसाराधनं इदं ग्रीहणं स्वाहा इति होमा फलं भगवते निवेदये न भीपद मस्तम पुनर्मूले नियोजये अथ मंत्र शुद्धि क्रमः शुद्धस्यैव मंत्रस्य मूर्तो न्यासः कार्यः जपोपि कार्यः जपस्य समर्पणमपि कार्यः परमपुरशा साक्षात् मंत्रमूर्ति मंत्रमूर्ते जगन्नाथ रूपेण संबोधन मंत्रे भवन्ति अक्षरा तक्षरा दाहन स्तंभन क्षालन प्रबुद्ध रूपेण षड्भ संस्कारैः संस्कृत्य शुद्धं मंत्राक्षर उपयुज्य शुद्ध मंत्राक्षर परिपूर्ण तम मंत्र उपयुज्य <coughs> आराधन कुरिया वासुदेव मंत्रो भी भविमर्हति अष्टाक्षर मंत्रो भी भविमर्हति विष्णु मंत्रो वा भविमर्हति यतो हि एते

प्रत्येकशक प्रत्येकशः मन्त्राक्षराणां शोषणदाहन स्तम्भनक्षालनप्रबुद्ध प्रबुद्धीकरण अभिमुखीकरणादिकं कुर्यात् अभिमुखान्येव मन्त्राक्षराणि सिद्धानि भवन्ते कार्याय कल्पते भगवद आराधना रूप कार्याय कल्पते तर्हि मन्त्र अक्षरस्य शुद्धीकरणं कथं कर्तव्यं आहत्य मन्त्र शुद्धि हि एवर्तते प्रत्येकस्य अक्षरस्यपि मन्त्र शुद्धि अष्टक्षर प्रथम प्रणव अतः ओम यम मंत्राक्षर शोषयामी ओं रंत्रवर्ण प्रणव दाहयामी ओं लंत्रवर्ण प्रणव आकाशे स्तंभयामी ओं यम मंत्रवर्णम वम मंत्रवर्णम आकाशे क्षायामी ओम हुम मंत्रवर्णकार प्रबुद्ध करोमी ओम फट मंत्रवर्णम प्रणवम अभिमुख प्रत्येक अक्षर नम यम चोषयामि नम रम दाहयामि नम वलम चोषय स्तंभयामि नम वम क्षालयामि नम हुम प्रबुद्धं करोमि नम फट अभिमुखी करोमि अभिमुखं कुर्यात् एवं अंततो गत्वा ओम यम यम वोम यम रम ओम यम लम ओम यम वम ओम यम हुम ओम यम फट्येक अक्षर से आहते अंतेणवसंपुटित मंत्र से ओम ओम नमो नारायणाय यम मंत्रवर्णा शोषयामी ओम ओम नमो नारायणाय ॐ लं मन्त्रवर्णानि दाहयामि ॐ लं मन्त्रवर्णान्याकाशे स्तम्भयामि ॐ वं मन्त्रवर्णानि क्षालयामि ॐ वं ॐ नमो नारायणाय ॐ वं मन्त्रवर्णानि क्षालयामि ॐ नमो नारायणाय ॐ हुं मन्त्रवर्णानि प्रबुद्धानि करोमि ओम भट ओम नमो नारायणाय ओम भट मंत्र वर्णानी अभिमुखानि करोमि इति अभिमुख पर्यंतं कृत्वा मंत्र शुद्धस्य अस्य मंत्रस्य जपं गुरयात प्रणव संपुटितस्य जपः मंत्रस्य ओम, ओम ओम नमो नारायणाय ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय ओम इत्येवं रूपेण प्रणव संपुटितस्य अस्य मंत्रस्य जपः अष्टोत्तर शतवारं अष्टाविंशति वारं न्यूनान्न्यूनं द्वादश वारं ततोऽपि न्यूनं चेत् कदाचित् अष्टवारं

पूर्ण से मंत्री प्रणवसंपुटी से जप रूपेण जपं कृत जपस्य अन्ते भगवते अर्पणंच क्या गुह्याति गुह्यगोता गृहाम जप सिर्भव मे दवा प्रसाद मयि तथा कृतस्य जपस्य समर्पणमपि भगवत्पादमुदे समर्पयेत् इति मन्त्रशुद्धिक्रमः जपक्रमः जपसमर्पणक्रमः अपि अभिहितः सतां पूर्वाचार्याणां परम्परायामपि आगतः अतः अष्टाक्षर से संसिधि चेदपी अन्यशाम मंत्राणामपी तत्तद आराधन क्रमान गुणत्वेन रूपेण कर्तुम शक्नोत नाम यत्र हयग्रीवस्य भूवराहस्य लक्ष्मी नृसिंहस्य

आराधने प्रवृत्तः भवेत् ततन् मूत्रे मूर्तेह आराधकः ततत क्रमेण कुर्वन्ति अथवा सर्वत्रापि व्यापक मन्त्रत्वेन रूपेण एतेषां नयणां मन्त्रणां एव साक्षात् मन्त्रशुद्यादिकं कृत्वा न्यासादिकं कृत्वा तन् मन्त्रेनैव आराधनं कुर्वन्ति तत्र विरोधा नास्ति उपादेयता एव वर्तते व्यापकमन्तत्वेन रूपेण विद्यमानत्वाते येते एव ये मन्त्राह सर्व प्रथवम तत्र उपयुक्ताह भवन्ते अनन्तरमेव मूर्तिमन्त्रैहि अपि तत्र ध्यानारिकं आराधनादिकं भवित वर्हति अतः अष्टाक्षर मन्त्रेण द्वादशाक्षर मन्त्रेण

आत्मन्यास संदर्भ है भी व्यापक मंत्रण्यास हाकारिया है यहाँ अष्टाक्षरस्या वादशाक्षरस्या ये मंच्य विश्वश्रद्धक्षरस्या सचन्यास हाक तथा भी अभ्यस्त भी यहाँ यहाँ अनंतरम अन्येशाम भी मंत्राणम रूपेण उपासनाद्येनुसंधान रूपेण तत्तन मंदिर आदिशु तत्र तत्र आराधना आदि संदर्भ भेवा उपयुज्य आराधना आदि कंकर्तु मरहति आराधकः अर्चकः <laughs> एवं इत्थं मानस यागक्र महापूर्ण है इतः अनंतरं बाह्य यागः सोपिक्रमः अत्र संग्रह रूपेण उपपादितः

मंत सिद्धांतानुसारम विद्यमान प्रणां आधारेण परिष्कारादिकं कर्तुं शक्नोति परन्तु सर्वप्रथमः एकः कर्धा अभ्यस्य तदर्थं अयं एकः लघु आराधना क्रमः भगवदा राधा विधी प्रकाशितः तत्र वाख्य यागः उपपाद्यमानः वर्तते ततः प्रणवेन जलपूरीषां कलन्तिकां भगवतः दक्षिणे पार्श्वे विनिवेश्या जलं शुद्धं देवालयं समुद्रगाट्य भगवते विश्व रूप दर्शन रूपम एकम दर्शनम कारयित्वा अनंतरम जलार्थं गच्छेत जलमानयेत उद्धृत परिपूताभिरद्भेह कार्यं कुर्वीता परिपूतं परिशुद्धं च भवेत शुद्ध शुद्धि परीता शुद्धि भविनावत शुद्धमेवर्थम उपयोक्व्य तीर्थशुद्धि चेत आराधने अध्यात्मे शुद्धि नया अतः परशुद्धा ही ही कार्यं कार्यकुत उद्धर्ता परिपूर्ता भी। इधम इदानी फ्रश, संपूर्ण रूपेण रोपण नोतनं भवेत। यत इदानी यथे उन्निया आनीतम जलम परिपूर्तन्चा वस्त्रादिभी अभि परिपूर्तन्चा जलम तज्जलमेव योग्यम सर्वतः परिपूतमित्युक्तत्वात् तीर्थक्षेत्रमपि तत्तादृशरूपेण शुद्धं भवेत् मलिनं तटाकादिकमपि न भवेत् मालिन्यादिभिः सर्वथा भगवत् आराधना अर्थम उपयुज्यमान तथा कहा संरक्षणीय हां नलिकादि भी ही उपयुज्य कथम अभी आराधना अधिकंकर तो नारहत नलिकादि जलम तो बोर इत्यादि ना इत्यादि भिया आयाती चेदापि तत्र नलिका जलम अन्यत्र अन्यत्र संबद्धमेव भवति

पूर्ण रूपेण जलम तटाकादिभ्या नदीभ्या खासारादिभ्या सर्वतस समरक्षिते भ्या हा जलस्थाने भ्या हा उद्धर्त्या शुद्धरूपेण उद्धर्त्या आना इया तेनिवाराधन कुरियात्र तरहानी तम्यत्या भी जलम हानी तस्या जलस्या तस्या गणतीकायां हम स्त्री करते ही वकुरियात गणतीकायावर्तते शा कावेरी इतिनामना प्रसिद्धा तेरु कावेरी इत्येवम् रूपेर न संप्रदाये प्रयुज्जरे सा कावेरी स्वरूपा गंगा यमुना आदि गङ्गे च यमुने चैव नर्मदे सिन्धु कावेरी इति अन्तिमरूपेण विद्यमाना सप्तमा नदी कावेरी तेन गङ्गादयः अपि सर्वेपि सर्वाः अपि उपलक्षणविधया आगताः अतः सप्तनदीतीर्थतुल्यं तत् गलन्तिकातीर्थम् अतः गलन्तिकायाम् उपादाय गणति काीर्थपात्रु निद्रे कार्य अतः तथा शोषणदनना विशेषोपि विशेषो तीर्थे तीर्थमंत्रि तहूय इमं मे गंगे युने इत्यादिभ्य अशुद्धिमंत्रकमें प्रयुज्य शुद्ध तजल तत्र पुण्याः तीर्थादिभिः अपि सम्प्रोक्षितं तज्जलं तत्तशोषणदाहनात् प्लावनादिकं सुरभिमुद्रादिकं कृत्वा तत्र जले एव षट्कोणं षडक्षरम् अष्टदलपद्मम् अष्टदलपद्मेष्वपि अष्टाक्षरं मध्ये बिन्दुमात्ररूपेण षोडशाक्षरम् इति सर्वं मध्यमा द्वितीयाङ्गुल्या पवित्राङ्गुल्या विलिख्य तत्र अष्टाक्षर अभिमन्त्रणं विधाय तन्मण्डलात् तीर्थमुपादाय उद्धृते तस्मिन् जले पुनः अष्टाक्षरेण अभिमन्त्रणं कृत्वा अंजलौ आपूर विष्णुगायत्री मंत्रेण अभिम्रण्वर चुवार द्वाद वर वीर्थ द्वादाक्षरण मंत्रेण तीर्थे सोज्य अोक्षरिया तुशं शुद्धम अग्रे उपयुक्त यद्य पवित्र नदीभ्यवर्थेभ्य आनीत जलम तथा भगवदाराधनायोग्यम भविते मंत्रपूतं मंत्रपूत पूर्णरूपेण शुद्धं भवेत्

भगवद आराधना योग्य सामग्री समुदायस्य इव शुद्धिक्रमाहात तादुश्रोपेन कुर्वन्ति प्रत्येकम अपि सामग्री विशेषम यदा भगवद आराधना अर्थम उपयोग तुम तदानीमेव शोषण दाहना प्लावना आदिना परिषुद्धं कर्तवा सूरभेमुद्धया मृत्यीकर्तवा अमृतीकर्तयिव तस्य उपयोगः काल्यः तत्शा अभ्यास अर्चकेण संरक्षणीयः एवं रूपेण शुद्धमेव वस्तु भगवदाराधनायोग्यूपेण उपादा कर्तव्य तदनीमे भगवदाराधना अन प्रसादूतमी तत् जलम तुलसी दलाड़ीकम फलाड़ीकम भगवत प्रसाद आड़ीकम सर्वम शुद्धमेव असमत समीपमायादी अस्मा भी हितस्य प्रसाद रूपेण क्रियते यदा च येताद्रिशस्य युवा वस्तुमिश्रस्य वस्तु स्वीकारो भगति तदानीम अस्मा नमपि इदम पांचा भावतीकम देहम पूर्णरूपेण पवित्रम भवति पवित्रम कियत पर्यंतं गच्छति इति चेत् संपूर्ण ग्रंथि नर नाड्यादिकमपि शुद्धेन प्रसादेन अभिमंत्रितेनैव स्पृष्टं भूत्वा अध्यात्म योगस्य कृते योग्यं इव कल्पितं भवति इति

अध्यात्म क्षेत्र क्षेत्र कृते योग से कृते योग्यो भूत शीघ्रमे अग्रे सरती अतः ताद क्रम के केचन पश्य उत न पश्य अर्चक तो, तो, तो सर्वथा तत् अनुसंधाय अनुष अनुष्ठेयम् तथा प्रणवन जलपूरिताल आत्मनहवामे भगवत दक्षिणे पार्श्वे आत्मन हा पार्श्वे भगवत दक्षिणे पाश्ेदस्मत्समीपे संस्था ओं नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमह तन्नो विष्णु प्रचोदयाद इति अर्घ्यानि पूजा द्रव्याणि च प्रक्षाल्य विष्णु प्रक्षाल्य भगवतः पुरतः प्रक्षालितं प्रातादिकं स्थापनीयम् विष्णु गायत्री तदानीं गलंतिका तीर्थेन प्रक्षालनं तत्पूर्वं तु भगवत पादलादिकम पूर्णरूपेण सम्यक शुद्ध द्रव्यादिकम उपादाय इंद्रण्यादिकम वा हरिद्रादिकम वा अन्यत् किमपि भस्मादिकम वा किमपि स्तीकृत सम्यक प्रक्षालय शुद्धं कृत्वा क्लोतं कृत्वा संस्थाप्य अनन्तरमेव आराधना आरब्धव्यम्

स्वशिष्या तद्वारा वा कारयत गृहादिषु पत्नी पुत्रादिभ्य पुत्रादिभ्य तत्कारयत अन्ये ये केचन परिवार जना वर्तन्ते शुद्धा तेषां परस्तात् कारयेत् सर्वथा न भवति चेत् परिचारकवरं वा एकं विनियोज्य तद्वारा कारयेत् परन्तु शुद्धमेव पात्रादिकं भगवत्पुरतः भवेत् तानि पात्राणि च गलन्तिकातीर्थेन विष्णुगायत्र्या प्रक्षालयेत् प्रक्षाल्य पात्राणि च कथं स्थापनीयं तदपि दर्शयति पंचपात्री तो प्रसिद्धानि अतः मध्ये पाद्यपात्र भगवत दक्षिणत अर्घ्यपात्र भगवत वामत आचमनीय पात्र आज आचमनीय पात्र भगवत मध्ये स्नापात्र भगवत पाद्यपात्र अग्रे प्राग्भागे

अर्घ्य पात्र पाद्य पात्र आचमनीय पात्र स्नान पात्र शुद्धोदक पात्र तदपि अत्र दर्शयन्ति कुशाग्रम अक्षतम पुष्पम फलम चंदनमेव च तिलम सिद्धार्थम सिद्धार्थ यवन च निक्षिप्य आराधयेत् अर्घ्य एतानि द्रव्याणि आहत्य अष्टौ द्रव्याणि पेटिकायामेव संग्रह्य संस्थाप्य तत्स्थापयितुं तत्थ शक्नुमः कुशादिकं लभ्यते एव तदग्रम अपि संग्रहणीयम् अक्षतं पुष्पं फलं चन्दनं तिलं सिद्धार्थयवान् इति फलमेकं तु तत्सन्दर्भे तत् यद्वर्तते तद्योजनीयम् अन्यत् सर्वं तु एक लघु पात्रे वेटिव संस्थाप्य संग्रह्य संस्थाप्य संरक्ष्य तर उपयोग प्रत्यं अन्यतो कर्म शक्ति अन तो अलकूरी केंसरादिपूरी तीर्थं तो बहते तरीक सह अर्घ्यादिपात्रु द्रव्यसा

नवधान्य मध्ये ये कहा अन्यतमा सभी उपलब्धिमान हैं। यं जाज मन पाते ये लाल वंगा तक्कोल अगर जाजी चंदन चूर्ण पुष्पेण पुष्पेन जस्समिष्ठम इति उत्पित उक्तत्वाते ये लाल वंगा दिशान्युक्तन्चा तत्तीर्था परिक्रमेयो होति चंदनं चकित्संभव्या

સર્વધી સિશ્રિત પૌડર વિશેષરૂપે વિદ્યમાન સિદ્ધ સ્થાપની રત્ રત્નયુક્ત અંગુલિયક ધાર્ય સ્પર્શ કર અથવા रत्न रूपमेव तस्मिन् योजयितुमपि शक्यते आराधनांते स्वीकर्तुं शक्यते खलु अतः नवरत्नादि संयुक्तमेव संयुक्तः एव एषः अर्चकः अङ्गु अङ्गुलीयकं तज्जलं भगवते अर्पितं भवति इति कृत्वा रत्नादि युक्तमेव भवति बीजं कमलबीजं फलम् अथवा बीजमिति चेत् धान्यादिकम् एवं कुशतीला अक्षत दधि क्षीर घृतम दधि क्षीर घृत आगत में पंचावृत द्रव्य विशेष रूपेण अतः हाँ पुष्पाग्रेण किंचिदिव संस्पर्श कृत्वा तत्र योजयेत दधि संमिश्र क्षीर संमिश्र एवं मधु संमिश्रित तत्र योजयेत् तदानीमपि तत्तादृशं तीर्थं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः

अ तिलम तुलसीति उभयमेव भवेत् किञ्चित तिलम शुद्धार्थं शुध्यर्थं एवं तुलसी अपि भवेत् एवं रूपेण निक्षिप्य तदनं रविहि जिङ्कारित इर्थद्रव्यं तते तीर्थे शुद्धीकरणं भवेति तद्विशुद्धिक्रमः अपि उत्तमरीत्याएव तत्र पात्र परिकल परिकरा संदर्भे उपदिष्ट्यवानः भवति तत्ताद्यः क्रमः एकः लघुक्रमः अस्माभिः आश्रयणीयः ततः प्रथमकर्तव्यं मिथ्यादि विषयेपि अत उपपारेयति ततिवयं अग्रिमे वर्गे आलोकयामः एतावत पर्यन्तं द्वितीयवारं अभ्यासं कृत्वा तदर्थं स्वआराधनापात्रादि संयोजन कृत्वा